श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आज इस धुन से पूरी काशी झूम रही है। समस्त काशी में ऐसा माहौल है राम भक्ति का कि कहीं पे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो कहीं पे राम भक्ति के राम के गीतों पर धुनों पर नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। सच में वो लोग भले ही अयोध्या ना पहुंच पाए हो लेकिन वो यहाँ से ही कह रहे हैं कि मेरे राम जी से जाकर कहना जय सिया राम। इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे पर है। ये जो माहौल है यहाँ पर गोदौलिया चौराहे का, यहाँ पर एलईडी टीवी स्मार्ट सिटी के तहत ये जो एलईडी टीवी लगाया गया है जगह जगह पर, वहाँ से लाइव प्रसारण लोग सिया राम के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का देख रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो लोगों में जो उत्साह नजर आया वो देखने के लायक था। भगवा रंग में रंगी काशी इस वक्त राम भक्ति में झूम रही है। लोग यहाँ पर जगह जगह पर बड़े बड़े डीजे लगाकर राम भक्ति जो श्री राम है उनके गीतों पर धुनों पर नाचते नजर आ रहे हैं। और जो उनके अंदर जो उत्साह नजर आ रहा है अपने रामलला को देखकर कि 500 वर्षों की जो उनकी प्रतीक्षा थी अब वो समाप्त हो गई। आप ये जो माहौल है, ये जो नज़ारा है, इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त यहाँ पर उत्साह का माहौल है। ये लोग सिर्फ चौराहे या कई शहर तमाम जितने भी क्षेत्र वहाँ पर ऐसे तमाम आयोजन किए जा रहे हैं जो रामोत्सव को लेकर जो उत्साह है, जो जश्न है, ये पूरी काशी में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि रास्ते से जो लोग भी जा रहे हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो जगह जगह पर तैनात है। जो यूपी सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ समस्त यूपी अलर्ट मोड में है। जगह जगह पर प्रशासन यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है वो तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की घटना ना घटी। तो अगर लोग यहाँ पर डीजे लगा कर डांस भी कर रहे हैं, जो भी राम भक्ति में जो झूम रहे हैं, तो उसमें भी बैरिकेटिंग लगा दिया गया है कि वो उसके बाहर आकर कुछ भी ना करें। ऐसे में जो आवागमन की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल रही है और जिनको रामलला के आगमन का उत्साह मनाना है, जश्न मनाना है, वो भी मना सकते हैं।